हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने EVS का चैप्टर आवर हेल्पिंग हैंड्स लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन आवर सोसाइटी मैनी पीपल हु लिव नियर अस आर आवर हेल्पर्स। हमारी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे आसपास रहते हैं और वो हमारे हेल्पर्स भी होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देम। आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि हमारे हेल्पिंग हैंड्स कौन कौन हो सकते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से एक दूसरे की मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड आवर हेल्पिंग हैंड्स और उन्हीं को हम हेल्पिंग हैंड्स कहते हैं। द पीपल वर्क एट मैनी डिफरेंट जॉब्स। दे वर्क टू अर्न मनी टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर फैमिली। बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह का काम करते हैं, अलग अलग तरह की जॉब्स करते हैं और अपने परिवार की नीड के लिए, जरूरत के लिए और पैसा कमाने के लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। तो ये बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। तो सबसे पहले आती है बात डॉक्टर्स की। अ डॉक्टर हेल्प सिर्फ पीपल टू गेट वेल। तो जैसे कि सभी जानते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बीमार लोगों की को अच्छा करने में मदद करते हैं। अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स टू पीपल। और पोस्टमैन क्या करते हैं, लोगों को लेटर्स डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं। अ मिल्कमैन ब्रिंग अस मिल्क एवरी मॉर्निंग। सुबह प्रतिदिन क्या होता है, मिल्कमैन जो है वो दूध लेकर आता है। अ कारपेंटर मेक्स टेबल्स एंड चेयर। जो कारपेंटर्स होते हैं वो टेबल्स बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। जितने भी हमारे घर में फर्नीचर्स होते हैं वो सब कारपेंटर ही बनाते हैं। उसके बाद आता है अ फार्मर ग्रोस क्रॉप्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और किसान क्या काम करते हैं, फसल ग्रो कराते हैं। जैसे हम जो भी हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब कहाँ से आता है, जब फार्मर्स जो होते हैं वो उन्हें ग्रो करते हैं। एंड इलेक्ट्रिशियन फिक्सेस स्विचेस एंड इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। और इलेक्ट्रिशियंस क्या करते हैं, जो घरों में हमारी जो लाइट होती है, स्विच होते हैं, गैजेट्स होते हैं, उन सबको लगाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है अ कॉबलर मैंस शूज। कॉबलर जो मोची होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे जूतों को सही करते हैं। अ सोल्जर कीप्स द एनिमी अवे फ्रॉम आवर कंट्री। और जो सिपाही होते हैं वो देश के दुश्मनों को मार भगाते हैं। अ टीचर हेल्प्स टू लर्न न्यू थिंग्स। टीचर्स कौन होती हैं, जो हमें पढ़ाती हैं, नई नई चीजें सिखाती हैं और याद कराती हैं। अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ गार्डन एंड पार्क। जो माली होते हैं, जो गार्डनर होते हैं, वो क्या करते हैं, जो जितने भी घरों में गार्डन होते हैं या पार्क होते हैं, उन सबकी देखभाल करते हैं, उनमें पानी डालते हैं, पौधों का ध्यान रखते हैं। उसके बाद आता है अ वॉचमैन गार्ड्स आवर हाउसेस। वॉचमैन क्या करते हैं, हमारे घर की रखवाली करते हैं। अ पुलिसमैन प्रोटेक्ट्स अस एंड आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम थीव्स एंड बैड पीपल। जो पुलिसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, हमें एक तो जैसे हमारे घर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ से हमारी मदद करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, जैसे चोर वगैरह होते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं उनसे भी हमें बचाते हैं। अ टेलर स्टिचेज आवर क्लोथ। जो टेलर होते हैं, दर्जी, वो क्या करते हैं, कपड़े सिलते हैं। अ बार्बर कट्स आवर हेयर। और जो बार्बर होते हैं, जो नाई होते हैं, वो अब हमारे बाल काटते हैं। सो देयर आर मैनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। वी शुड रिस्पेक्ट द वर्क डन बाय द पीपल हु हेल्प अस एवरी डे। तो जैसे कि आपने पढ़ा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बारे में हमने पढ़ा जो डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं और हमें उनकी उनके काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हु हेल्प अस एवरी डे, जो हमें हमेशा मदद करते हैं। नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड बिग और स्मॉल। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं वर्कशीट की।
मैंने वर्कशीट बनाई है इसी चैप्टर की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु ट्रीट्स द सिक? अभी हमने बात की थी इसके बारे में, पुलिसमैन और डॉक्टर। बीमारों को कौन सही करता है? डॉक्टर। हु ब्रिंग्स द मिल्क? मिल्क कौन लेकर आता है? मिल्कमैन। हु मेंड्स आवर शूज? कॉबलर। हु ब्रिंग्स द लेटर फॉर अस? पोस्टमैन। हु टीचेस अस? टीचर और डॉक्टर? टीचर। तो इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। द पुलिसमैन डैश अस एंड आवर प्रॉपर्टी फ्रॉम थीव्स एंड बैड पीपल। पुलिसमैन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट अस। द डैश कट्स आवर हेयर। बाल कौन काटते हैं? बार्बर। द डैश टीचेस अस? टीचर। द टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। द डैश मेक्स टेबल्स एंड चेयर। कौन बनाते हैं चेयर? कारपेंटर। तो इस तरीके से आप फिलअप्स करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु आर आवर हेल्पर्स? हमारे हेल्पर्स कौन होते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर हेल्पर्स आर दोज पीपल लाइक टीचर, टेलर, कॉबलर, ईटीसी। तो इस तरीके से आप इसमें करा सकते हैं। व्हाई डू वी नीड देम? हमें इनकी जरूरत क्यों होती है? बिकॉज they help us in our daily life. Name three helpers you see every day. ज़्यादातर जो हेल्पर्स हमें आसपास दिखाई देते हैं डेली, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे आप स्कूल जाते हैं तो टीचर, टेलर और कौन हो सकते हैं? डॉक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट डज द टेलर डू फॉर अस? टेलर क्या काम करते हैं? टेलर आवर क्लोथ। उसके बाद आता है, मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं, मैचिंग करेंगे हम इसमें जो जो इनके काम होते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या काम करता है? ट्रीट्स। पोस्टमैन ब्रिंग लेटर्स। बार्बर कट्स हेयर। कॉबलर मैन शूज। टीचर टीचेस। तो इस तरीके से आप बच्चों को वर्कशीट करा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।